बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 20.6 क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन। बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास और इसके टू रूट हैं 6 एंड -2। ऑल्सो फाइंड द रिमेंडिंग टू रूट्स। बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट डिग्री हमारे पास 4 होगी, इसके 4 रूट्स होंगे। दो रूट हमें यहाँ पर दिए हुए हैं और दो हमें मालूम करने हैं। इसके अलावा हमें ए और बी की वैल्यू भी फाइंड करनी है। स्टार्ट करते हैं, सिंथेटिक डिवीजन मेथड से ही सॉल्व होगा। बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, इसमें एक्स टू द पावर 4 है, उसका कोएफिशिएंट लेंगे हम। कोएफिशिएंट हमारे पास है 1। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब टर्म हमारे पास नहीं है तो हम उसकी जगह पर 0 लिख लेंगे। और एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट हमारे पास आ रहा है -a, एक्स का कोफिशेंट है +b और कांस्टेंट टर्म है 252। मल्टीप्लायर, ये हमारे पास रूट्स हैं इसके दो, यही हमारे पास मल्टीप्लायर होते हैं। तो पहले हम मल्टीप्लायर एक से मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों में से कोई सा भी आप ले सकते हैं। -2 ले लेंगे तो हमारे लिए इजी रहेगा। -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को हम ऐसे ही लिख लेते हैं, 1 एज इट इज आ जाएगा। और अब इस 1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 -2 वन सा -2, तो ये हमारे पास प्लस होगा तो -2 ही आ जाएगा। अब इस -2 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 2 सा 4, तो हमारे पास आ रहा है 4। अब 4 को ऐड करेंगे -a के अंदर, तो अलग अलग टर्म्स हैं तो इसलिए हम लिखेंगे इसे 4 -a। अब इस पूरी टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ और यहाँ पर लिखेंगे माइनस प्लस माइनस, 4 2 8 और -a मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ, तो माइनस माइनस प्लस, 2 1 2 a। अब इसके अंदर b को ऐड करेंगे तो अलग अलग टर्म्स हैं, इसी तरह से लिख लेंगे -8 प्लस 2 a प्लस b। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, माइनस माइनस प्लस, 8 2 16, प्लस है यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस आएगा, 2 2 4 a, प्लस माइनस माइनस 2 b। अब यहाँ पे ये टर्म सेम हैं तो इनको हम प्लस कर लेंगे क्योंकि दोनों के साथ प्लस के साइन है, तो ये हमारे पास आएगा 268 -4 a -2 b, ये एज इट इज ही आ जाएगा। ये हमारे पास आ रहा है रिमाइंडर। अब हम दूसरे वाले रूट को लेंगे ऐसे मल्टीप्लायर, सिक्स है, 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। उससे पहले फर्स्ट टर्म को हम एज इट इज लिख लेते हैं यहाँ पर। अब 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, 6 1 6 यहाँ पर लिखेंगे, डिफरेंट साइन है, माइनस होगा तो हमारे पास 4 आएगा। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ तो हमारे पास आएगा 24। अब यहाँ पे ये सेम टर्म्स हैं तो प्लस हो जाएगा क्योंकि दोनों के साथ प्लस के साइन है, तो ये हो जाएगा 28 और माइनस ए एज इट इज ही लिख लेंगे। अब इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, 6 को 28 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 168। अब 6 को माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा -6a। इन दोनों टर्म्स को प्लस कर देंगे, मतलब प्लस माइनस जो भी हो रहा है डिफरेंट साइन है, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस होगा 160। यहाँ पर भी डिफरेंट साइन है, माइनस के साइन बड़ी है तो 4a हमारे पास आएगा। b वाली टर्म हमारे पास यहाँ पे नहीं है तो b एज इट इज़ आ जाएगा।
यह आभास आ रहा है, इसका रिमाइंडर। अब यहाँ पे ए और बी दो वेरिएबल्स आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं पहले दोनों टर्म्स को। 2 6 8 माइनस 4 ए माइनस 2 बी इज इक्वल टू 0, और 160 माइनस 4 ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। यह हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं और ये इक्वेशन 2। अब अगर हम इसे देखें तो एक वेरिएबल को अगर हम ख़त्म कर देते हैं यहाँ से, तो फिर हम दूसरे की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। और उसके लिए इस टर्म को अगर आप देखें, इसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस 2b हो जाएगा और ये माइनस 2b होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो a की वैल्यू हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं सेकेंड टर्म को 2 के साथ, टू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा, 160 माइनस 4a प्लस बी यहाँ पे 0 रहेगा क्योंकि 0 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो 0 ही आएगा। अब इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 2 6 12 1 2 3 3 20 प्लस माइनस माइनस 4 2 से 8 ए प्लस 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 2b देते हैं इक्वेशन 3। अब अगर इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 को हम ऐड करवा लेते हैं, इक्वेशन 1 है हमारे पास 2 अभी माइनस और प्लस है, ये कैंसिल हो जाएगा और इनको हम प्लस कर लेते हैं, 8 8 5 माइनस, दोनों के साइन सेम हैं तो प्लस होंगे, 2a। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं इसे 588 माइनस 12a इज इक्वल टू 0। इसको हम उस साइड पर ले जाते हैं, 588 इज इक्वल टू इस साइड पर आएगा तो प्लस का 12a हो जाएगा। a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो a को यहीं पर रहने देते हैं, और 12 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। a की वैल्यू हमारे पास आएगी 12 वन से 12, 12 फोर से और 12 9 से, तो 49 हमारे पास आ रही है ए की वैल्यू। अब इन इक्वेशन में से किसी में भी बी की वैल्यू रख के हम बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, इसीलिए इक्वेशन 3 में ही रख लेते हैं। इक्वेशन 3 है हमारे पास 320 माइनस 8a प्लस 2b इज इक्वल टू 0। अब 320 एज इट इज रहेगा, माइनस 8 और 1 की जगह हम इसकी वैल्यू रखेंगे 49, मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, 2b इज इक्वल टू 0। 320 माइनस 8 को 49 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 392 प्लस 2b इज इक्वल टू 0। माइनस करेंगे थ्री ट्वेंटी में से 392 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का
2 और 9 में से 72 आएगा, प्लस 2b इज इक्वल टू 0। 2b को हम इस साइड पर रहने देते हैं और माइनस 72 को इस तरफ लेके आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। b हमें फाइंड करना है, 2b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 72 के साथ डिवाइड होगा, कैंसिल हो जाएगा। 2 1 से 2, 2 3 से 6, 2 6 से 12, तो b हमारे पास इक्वल आ रहा है 36 के। अब ये दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, अब हम मालूम करेंगे इसके रूट्स। रूट मालूम करने के लिए हम यहाँ से लेंगे इक्वेशन, ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, ये x और ये एक्स स्क्वायर, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास इस तरह से बनेंगी, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस कांस्टेंट टर्म हमारे पास आ रही है 28 माइनस a इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर a की वैल्यू पुट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 28 माइनस a की जगह हम क्या लिखेंगे, 49 a की वैल्यू हमारे पास आई थी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x, 49 में से 28 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 21 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर मिड टर्म ब्रेक करके से सॉल्व कर सकते हैं। मिड टर्म ब्रेक करने के लिए हमें फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट को 21 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 21 इज इक्वल टू 21। 21 के हमें फैक्टर चाहिए, 3 और 7 आता है, यहाँ पे कर लेते हैं 3 7 से 21, 7 1 से 7। अब इसके फैक्टर हमें इस तरह के चाहिए कि हमारे पास प्लस 4 आए, तो हम 7 में से माइनस कर दें अगर 3 तो हमारे पास 4 आ जाएगा, और 7 3 से 21, तो हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, x हमारे पास कॉमन आएगा, अंदर आएगा x प्लस 7, और यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं माइनस 7 नहीं माइनस 3 कॉमन आएगा, और अंदर हमारे पास आएगा x प्लस 7 माइनस प्लस माइनस 3x माइनस प्लस माइनस 3 7 से 21 इज इक्वल टू 0। सेम ब्रैकेट आ रहे हैं, इसका मतलब है हम ठीक कर रहे हैं, 7 प्लस एक्स प्लस 7, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, 7 इस साइड पर आएगा तो माइनस का 7, और x इज इक्वल टू 3 इस साइड पर आएगा तो प्लस का 3, तो एक रूट हमारे पास आ रहा है माइनस 7 और दूसरा आ रहा है 3। तो ये दोनों रूट भी हमने इसके मालूम कर लिए।